जी जनाब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर ब्रेक के बाद मैं वापस आ गया हूँ यहाँ इस्तांबुल तुर्की में, और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट बैठी हैं। इनका जो सीरियल है वो अभी पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ, उसकी आप थोड़ी सी झलकियाँ देखिए, वो इंटरनेट पर मौजूद है और ये शी हैज़ ऑलरेडी बिकम अ स्टार, बट यू हैव टू वॉच द क्लिप्स बिकॉज इट्स स्टार्टिंग ऑन पाकिस्तान टेलीविजन ऑन वन ऑफ द पाकिस्तानी चैनल्स, और उसके बाद फिर ये भी हमारे हाथ नहीं लगेंगी। तो जनाब आप छोटा सा क्लिप देखिए एंड व्हेन वी कम बैक वी विल स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। आई एम एक्चुअली लाइक वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्पीक टू दिस ब्यूटिफुल गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू मी। लेट्स वॉच द क्लिप एंड कम बैक। आज बारानी रहमत की मेहमान है याशिन जिरान गुजावलो, जिन्होंने मशहूर तुर्की के प्ले कुरुलुस उस्मान में एक अहम किरदार अदा किया। एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ ये एक मजेदार शख्सियत की मालिक भी हैं। इनका अंदाज़े गुफ्तगू सबसे अलग है। आज यशन से करेंगे ड्रामे के साथ साथ दिल की बातें, तो हमारे साथ रहिए। जी जनाब हम वापस आ गए हैं, आपने क्लिप देखा, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बहुत थोड़ी देर में बाज़ लोगों से बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाती है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं साथ साथ अंग्रेज़ी इसलिए बोलूँगा कि क्योंकि ये अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलती हैं और समझती भी हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अचानक कुछ उर्दू बोल रहे होते हैं तो दूसरा अपना आपको थोड़ा सा एलिनेटेड महसूस करता है, थोड़ा सा अलूफ महसूस करता है। तो आई वॉज सेइंग दैट अ फ्यू पीपल इन लाइफ बिकम वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स इन जस्ट लाइक इन अ मिनट, एंड यू आर वन ऑफ देम। वी हैव बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड्स इन लाइक वेरी शॉर्ट टाइम। आई एम sitting next to this beautiful actor Yeşim Ceren Bozaoğlu, am I right? This is how I wrote your name. Imran, ye bilkul ek perfect. I'm sorry, mujhe Turkish you mein bolna can talk in any language, kisi bhi zuban mein, theek hai. To phir main ye kehna chahti hu ki meri zindagi mein agar kisi ne mera naam bahut pyar se liya hai to wo aap hai. Kya aap mera naam dobara lena pasand karenge? Yeah, and you must see how did I write your name here. It's like on O I wrote this O. Oh, or Imran hai. Imran. Surah Ali Imran. So Yeşim is बेसिकली एन एक्टर, मैं आप लोगों से उर्दू में बात करूँगा। ये बुनियादी तौर पर वो अदाकारे हैं जिनका भी एक नया सीरियल कुरुलुस उस्मान पाकिस्तान टीवी पे शुरू होने वाला है और हो चुका है बल्कि एक चैनल के ऊपर, और ये इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। और बहुत खूबसूरत ये एक्ट्रेस हैं, इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल जब मैंने देखा तो मैंने इनके ऐसे ऐसे क्लिप्स देखे कि मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाह व्हाट अ परफॉर्मर शी इज़। और उससे पहले जब हम इंटरव्यू से पहले हम थोड़ा सा चिटचैट करते हैं, थोड़ा सा किसी भी एक्टर के साथ बात करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उससे हमारी सोच कितनी मिल रही है और वो कैसा है, उसके थोड़ा सा उसको ओपन अप करने के लिए। और यकीन करें कि मैं जब इनसे बात करना शुरू हुआ तो मैं बातें करता चला गया, हम इतनी सारी बातों पे बिल्कुल एक ही पेज पे थे। यशम, आई एम सो हैप्पी दैट आई मेट यू। मैं भी सीरियसली मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे सबसे पहले आपसे मिलके, और बहुत सारी बातें मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, कुछ मैंने जाना। सबसे पहली बात तो ये कि आप रूहानियत पे यकीन रखती हैं, यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, यू बिलीव इन मुझे सिर्फ अल्लाह पे यकीन, यू बिलीव इन अल्लाह, यू बिलीव इन मेटाफिजिकल साइंसेस, यू बिलीव इन मेटाफिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स एंड सो मेनी थिंग्स व्हिच आई आल्सो एक्टिंग एंड म्यूजिक एंड म्यूजिक एंड लव एंड बीइंग सिंगल और क्या सिंगल उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यस, अभी तक हमने नंबर एक्सचेंज नहीं किए लेकिन हम बात करेंगे इस बारे में। डेफिनेटली डू दैट राइट आफ्टर द कन्वर्सेशन। बट यशम, सबसे पहली बात तो ये कि जिंदगी में खुशी कितनी अहम है, खुशी आपके नज़दीक क्या है, हर किसी के लिए खुशी का जो स्टैंडर्ड है या पैमाना है वो स्केल जो होता है वो मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग पैसे को खुशी मानते हैं, कुछ लोग मोहब्बत को खुशी मानते हैं, कुछ लोग हेल्थ को खुशी मानते हैं, कुछ लोग पीस ऑफ माइंड को खुशी मानते हैं, लेकिन असल में खुशी है क्या जिसको हम सब बचपन से तलाश कर रहे होते हैं और वो तलाश करते करते हम मर जाते हैं लेकिन खुशी नहीं मिलती, खुशी क्या है? व्हाट इज़ हैप्पीनेस टू यू? इमरान, ये आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही अहम सवाल किया है, ये कि ज़िंदगी में आपके लिए खुशी क्या है या किस चीज़ से सुकून मिलता है। तो मेरे लिए इमरान, अगर ये जो पैसा है, शोहरत है, तो ये सब चीज़ें जो है वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं है, ये चीज़ें मुझे खुशी नहीं देती। मेरे लिए जो इनर पीस है, जो आपका सुकून है, वो खुशी देता है। मुझे कभी भी पैसे से या शोहरत से
खुशी नहीं मिली है मुझे। और लेकिन सुकून किस चीज में है आपके लिए? सुकून कहाँ से मिलता है आपको? अल्लाह से की याद में, अपने आप से बात में, तन्हाई में, लोगों में, हुजूम में, जब लोग आपको बहुत प्यार देते हैं तब, किस चीज़ से आपको खुशी, किस आप सुकून किस चीज़ में ड्राइव करती हैं? दिस पीस, वेयर डू यू फाइंड योर पीस इन लाइफ फ्रॉम? जहाँ ज़माने की फिक्र नहीं होती वहाँ सुकून मिलता है मुझे। हाँ, यानी जहाँ मैं अपनी परेशानियों से और फिक्र से आज़ाद होती हूँ, उस मोमेंट में, यानी द पावर ऑफ नाउ, उस वक्त में जीती हूँ। हाँ बिल्कुल, जो है अभी, यानी वो चीज़ें जो कि मैं अपनी पसंद से करना चाहूँ, अपनी मर्जी से करना चाहूँ, तो वो चीज़ें जैसे कि कोई काम है ऐसा, एक्टिंग है या कोई और ऐसा काम है जो कि मैं अपनी ख़ुद की ख्वाहिश से करूँ, और उस चीज़ से मुझे बहुत खुशी मिलती है और बहुत सुकून भी मिलता है। और जब मैं ख़ुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है और खुशी भी बहुत मिलती है। उसमें मेरे लिए ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती कि मैं कहाँ हूँ, किस मुल्क में हूँ, क्या नेशनैलिटी है और या किन हालात में रह रही हूँ। जैसे कि देखें, हम दोनों एक ही काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो उसमें हम खुद अपना आप नहीं होते, हम एक कैरेक्टर होते हैं, हमें दूसरे का कैरेक्टर प्ले करना होता है। और यहाँ पर एक और सवाल जो है वो खड़ा होता है कि खुशी का जो ताल्लुक़ है वो सक्सेस से किस तरह है। और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ आप खड़े हों वहाँ पे आप देखें कि अगर आप खुश हैं अपने काम से और अपनी चीज़ों से, तो यानी कि आप सक्सेसफुल भी महसूस करते हैं अपने आप को। आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया और यहाँ तक कैसे पहुँची, इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना यकीनन बहुत से लोगों का ख्वाब होगा कि कुरलुस आसमान, जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़े सक्सेसफुल शो का सीक्वल है, उसमें आप इतना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। सो दिस could have been the dream for so many people, so many girls and so many established actresses besides you. So how did you manage to get into this role, and did you actually go extra mile, aapne kuch bahut mehnat ki, ya ye aapke upar Allah ka karam tha ke director ya producer ne aapko dekha aur unhone kaha ke yahi ladki chahiye? सच बताऊं तो इमरान, मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने ये मुझे एक इशारा दिया था कि ये कैरेक्टर जो है जो मेरे सामने प्रेजेंट हुआ, तो ऐसा कैरेक्टर मुझे आगे जाके करना चाहिए और ये अच्छा रहेगा। आपका काम बोलता है, बिकॉज़ योर वर्क स्पीक्स वॉल्यूम फॉर इटसेल्फ। बिकॉज़ मैं भी आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, उसमें कुछ एक शायद विमेन डे पे आपने एक बहुत खूबसूरत आपने एक पोस्ट डाली हुई थी जिसके अंदर एक औरत है जिसके, जो मैं आपको पहचान नहीं सका, एंड इट वाज सो द मेकअप एंड एवरीथिंग वाज सो रियलिस्टिक। और उसमें किसी नॉर्मली ये होता है कि खूबसूरत चेहरे को अपने आप को बिगाड़ के दिखाना जो है वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता जी, है। तो आप कहते हैं कि यार नहीं, लड़कियां नॉर्मली कहती हैं कि नहीं मैं तो खूबसूरत ही दिखूं, लेकिन आपने वो चेहरा अपना बिगाड़ा और वो जो कैरेक्टर आप प्ले कर रही थी वो एक छोटी सी चाल है, जो एक छोटी सी गेट है, आप यहां से वहां तक चल के जा रही हैं, लेकिन वो सब कुछ कह रही है, वो पूरा डिपिक्ट कर रही है ऑन योर फेस एंड योर बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग इज शोइंग व्हाट एग्जैक्टली यू हैव बीन गोइंग थ्रू। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर यू टू just negate yourself and negate your outer self and that persona you have, that that facade, and break into a new character which is not even beautiful apparently. Main yahan pe ye kehna chahungi ki jo asal khoobsurti hoti hai wo pehle to ye ki aapko Allah Taala se milti hai, aur dusra ye hai ki aap kuch apne maa baap se genetically jo hai wo inherit karte hain. मेकअप वगैरह को मैं इतना नहीं कहूँगी कि इसमें कोई उसका काम होता है, लेकिन आप कैसा कैरेक्टर प्ले करते हैं और उसको किस तरह से निभाते हैं, और जैसे मैं हूँ तो मैं जो भी कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो वो मैं इतना उस कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं नहीं हूँ, मैं बस वही कैरेक्टर हूँ जो मैं प्ले कर रही हूँ। और जैसे कि आप ख़ुद भी जानते हैं इमरान,
कि जो हम एक्टिंग करते हैं, जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, तो वो कैरेक्टर्स हम इतने ज़्यादा उन कैरेक्टर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी रूह को एक तरह से, कि हमें लगता है कि हम वही कैरेक्टर हैं. और जब लोग भी देखते हैं उन कैरेक्टर्स को, तो वो ये सोचते हैं कि हमने कितना डिफरेंट काम किया अपनी पर्सनालिटी से. और इस ड्रामे में भी कुछ ऐसा ही है. जी, एक्टिंग की आपने प्रॉपर कहीं से ट्रेनिंग हासिल की, या यहाँ टर्की में बहुत सारे आर्ट स्कूल्स भी हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्कूल्स भी हैं, आप उससे पढ़ी, या ये बस नेचुरली आपके अंदर, आपकी जीन्स में थी, या खुद ही आ गई? जी, मैंने 17 साल की उम्र में एडमिशन लिया था, एक यूनिवर्सिटी है इजमीर में, उसमें मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए थिएटर डिपार्टमेंट में मैंने एडमिशन लिया था. और 4 साल के बाद 21 साल की उम्र में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और फिर उसके बाद मैं इस्तांबुल वापस आ गई. और फिर उसके बाद जब इस इंडस्ट्री में मैंने काम करना चाहा और शुरू किया, तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे इतने रेफरेंसेस नहीं थे कि मुझे बहुत काम मिलता है. आपने रेडियो किया? रेडियो? जी बिल्कुल, रेडियो, एक्टिंग, टेलीविजन, डायरेक्शन, सिनेमा, और नथिंग लेफ्ट. और इसके अलावा एक्टिंग, एक्टिंग की ट्रेनिंग, यूट्यूब पे मेरा चैनल है. wow. जी, तो उस पे मैं ट्रेनिंग देती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री है. इस सेक्टर में ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने ना किया. रेडियो, मुझे लगता है कि रेडियो बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है आपकी, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए. और जो रेडियो से आए हुए होते हैं उनके, उनका पता चल जाता है कि उन एक्टर्स की ट्रेनिंग रेडियो की है, क्योंकि आवाज़ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्टिंग का. एंड व्हेन अ रेडियो आर्टिस्ट और एनीवन हु हैज़ अ प्रोफाइल फॉर ऑफ रेडियो, इफ दैट पर्सन इज एक्टिंग, इट कम्प्लीटली शोज वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द अदर्स हु आर नॉट कनेक्टेड टू रेडियो. आपकी आवाज, मेरा भी यही बिलीव है कि रेडियो, टेलीविज़न और थिएटर, तीनों में बहुत फ़र्क है. और थिएटर में समझें कि यू आर अ ग्लैडिएटर, और एक ग्लैडिएटर की तरह आपको हर वक्त यही लगता रहता है कि आप एक जंग के मैदान में हैं, और आपको हर वक्त जो है वो तैयार रहना होता है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिसेस भी लाइव होती हैं, तो आपको मेंटली भी उसके लिए तैयार रहना पड़ता है. और ड्रामा एक बिल्कुल अलग चीज़ है, उसमें प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, तो वो आपको प्रिपेयर कर देते हैं कि अब सीन की डिटेल्स क्या हैं, कैसा कैरेक्टर है, तो उसमें हम रीटेक भी कर सकते हैं किसी सीन के लिए. और ये भी कहना चाहूँगी कि ये तीनों सेक्टर्स ऐसे हैं कि चाहे कोई भी हालात हो, कोई बीमार हो, तो हमें वहाँ जाना ज़रूरी होता है. मतलब हम भी एक फ़ौजी की तरह. एक एक और बात मैं यहाँ आपकी आपकी मैं आई वेंट थ्रू योर प्रोफाइल लाइक इन डिटेल एंड आई केम टू नो अबाउट अ फ्यू थिंग्स. और मुझे लगा कि आप औरत के हक़ के लिए आप आवाज़ उठाती हैं, और मुझे यहाँ ये कहने में कोई आर नहीं है कि औरत के लिए जितना हमारे दीन इस्लाम ने जिसको मकाम दिया है वो शायद कहीं और नहीं, जितनी इज्जत इस्लाम ने दी है. काश ये लोग हम समझ सकें कि औरत का जो रुतबा है जो हमारे दीन में दिया गया है वो कितना बुलंद है, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं. क्योंकि जिस तरह अभी इस इंटरव्यू से पहले मैं आपको कह रहा था कि औरत का जो दुख होता है वो औरत ही समझ सकती है कि वो किस तरह एक घर में 18 साल 20 साल रहती है, फिर वो घर छोड़ के, अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के एक नए घर में जाती है जहाँ एक नया आदमी उसके साथ होता है, एक नया इंसान होता है जिसके रंग में उसने ढलना होता है, उसके उसकी फैमिली के सारे तौर तरीके अपनाने होते हैं, फिर उसका बच्चा, उसको एक माँ की जब हैसियत मिलती है तो अपनी सारी ज़िंदगी उस माँ बन के उसको देती है, फिर यू नो दिस पेन इज़ एंडलेस, फिर उसको अपने बच्चे के गम, बच्चे के दुख, और फिर वो कब ये सारी की सारी उसकी जो डिपेंडेंस होती है एक मर्द के ऊपर, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. एक क्या कहना चाहिए कि एक दुख भी है साथ साथ और एक ताकत भी है उसकी. और जितनी औरत को ताकतवर अल्लाह ने बनाया है, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़े मर्तबे की बात है. औरत के बारे में आप क्या कहेंगी, एक औरत को कैसे डिफाइन करेंगी, औरत है क्या? जी, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपकी बात. मतलब जो लोगों के जहन में एक औरत का एक नाजुक साथ फ्रेजाइल सा एक इमेज आता है कि शायद वो दुखी है, वो टूटने वाली है, वो मुझे लगता है एक औरत बहुत मजबूत एक चीज़ है इस कायनात की और खूबसूरत तरीन चीज़ है जिसकी इज्जत की जाए, जिसको प्यार किया जाए. मैं आपकी डेफिनेशन चाह रहा हूँ कि एक औरत की डेफिनेशन आपकी नज़र में क्या है. जी, मैं जो सोचती हूँ इमरान, वो ये है कि औरत की जो असल पावर है तो वो उसकी मेंटल या फिर जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो उसमें नहीं है, बल्कि वो जो दिल से क्या सोचती है और करती है उसमें उसकी असल पावर है.
और अल्लाह ताला ने औरत को बहुत मोहब्बत की खूबियों से बनाया है, जैसे कि वो जब माँ होती है तो उसका प्यार अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल अलग होता है, और जब वो बहन होती है, बेटी होती है या बीवी होती है तो वो एक बिल्कुल अलग रूप में होती है। तो अल्लाह ताला ने औरत को एक बिल्कुल अलग इमोशंस के साथ पैदा किया है, और आप देखें कि एक औरत अंदर से कितनी ही टूटी हुई हो लेकिन उसके अंदर जो प्यार और मोहब्बत की जो ताकत होती है वो उसको किस तरह से आगे बढ़ाती है। हाँ, ये है कि जहाँ आप रह रहे होते हैं वहाँ पे भी औरतों को कितना रिस्पेक्ट किया जाता है और कितनी अप्रिसिएशन होती है, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन होती है वो सारी औरतों में, वो है उनका प्यार, उनकी मोहब्बत। और मेरी इतनी सी ही ख्वाहिश है कि औरतों को उनका हुकूक, जैसे उनकी तालीम है और उनको तरबियत हासिल करना है स्कूल में, तो वो हक ज़रूर मिलना चाहिए। जिस तरह अभी आपने कर्लोस उस्मान में जो आप कैरेक्टर कर रही हैं, इसका नाम क्योंकि मुझे देख के याद करना पड़ रहा है, इसका नाम है हज़ाल हातून। हज़ाल हातून जी, हज़ाल हातून के यहाँ भी कुछ चोट वोट लगी हुई है। हज़ाल खातून सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है, तो ये कट्स और ब्रूजेस जो पड़े हुए हैं ये सारे के सारे शूटिंग के दौरान लगे हैं, और इससे आपको अंदाजा हुआ कि औरत कितनी मजबूत है। अच्छा, मैं आपसे, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, यकीनन ये मेरे इन सारे इंटरव्यूज़ की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, एंड आई एम एक्चुअली लविंग व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। मुझे बताएं कि जब आपने एक्टिंग शुरू की और आपको एक्टिंग करते हुए तकरीबन आपने मुझे बताया कि 30 साल हो गए, सो 30 साल, you must be very very young. What is the secret of your fitness, first of all, please tell me. How do you look so beautiful and so fresh and so young by even now? You're young of course, but you know, you look definitely younger, 10 years younger to your age. जी बिल्कुल. So is this the inner peace of mind which you have, your inner happiness, or you just take special supplements or diet, or if you are following any diet regime, please share, because I think bahut sari ladkiyan sunna chahengi, hum bhi sunna chahenge. Mujhe bicycle ka bahut shauk hai, aur main ye keh sakti hu ki main zyada time jo hai wo cycling karte hue hi guzarti hu, aur iske alawa mujhe horse riding ka bahut shauk hai, to jab bhi waqt milta hai horse riding zarur karti hu. और इमरान, मैं आपको भी यही मशवरा दूंगी कि अपनी सोल के लिए, यानी कि अपनी रूह के लिए भी कुछ ऐसे काम करें जो कि आपकी रूह को सुकून मिले, और ना सिर्फ आपकी हेल्थ पर उसका बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट हो बल्कि आपकी जो रूह है वो भी उससे बहुत फ़ायदा उठा सके। तो काम इंसान को बस ऐसे करने चाहिए या ऐसी रूटीन फॉलो करनी चाहिए कि जिससे आप अंदर बाहर दोनों तरीके से आप अच्छा फील करें, और ऐसे ही इंसान यंग नजर आता है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये वाली जो जनरेशन है, आज की जनरेशन, और हमारी जनरेशन हमसे पहले वाली भी थोड़ी सी, जब से ये इंटरनेट का दौर आया है और ये तो शायद चीज़ों का एक्सपोजर ज़्यादा हुआ है, हम सब डिप्रेशन का शिकार बहुत हैं, ज़हनी तनाव का शिकार हैं, छोटी छोटी चीज़ों को दिल पे, और ये जो एक सुसाइडल टेंडेंसी है कि इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि ख़ुदकुशी इसीलिए हमारे मज़हब में हराम है कि ये एक बुनियादी तौर पे एक मायूसी का नाम है। जब आप अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस हो जाते हैं और आप ये सोचने लगते हैं कि कोई राह नहीं है और आपका उस पर से यकीन उठ जाता है, तो फिर आप सुसाइडल हो जाते हैं। अगर आपका ज़रा सा भी अल्लाह पे यकीन हो और आपको पता हो कि वो रास्ते खोलने के लिए आपके पास है और आपको प्यार करता है और आपसे मोहब्बत करता है, तो फिर आप कभी भी इस तरफ नहीं जाते। इस रुझान के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि दिस टेंडेंसी ऑफ यू नो गेटिंग डिप्रेस्ड टू एन एक्सटेंट वेयर वी कमिट सुसाइड, दिस इज़ prevailing in our society, in our societies, like hamari yahan bhi wahan bhi, west mein, east mein, aur khaas taur pe maine bade bade kamyab logon ko dekha jo apparently bahut successful lagte hain, lagta hai ki unke paas sab kuch hai, paisa hai, shohrat hai, bade bade actors, and they end up you know committing suicide. ji waqai imran, main yahi sochti hu ki agar insaan ye nahi samjhega ki uski zindagi ki kya ahmiyat hai aur allah taala ne usko kis liye banaya hai, to wo tabhi aisi hi socho mein hamesha gum rahega.
तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक तंदुरुस्त ज़िंदगी दी है और किसी मकसद से पैदा किया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इस रास्ते नहीं जाना चाहिए। और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि ख़ुदकुशी कर लेनी चाहिए या ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा है, तो आप दूसरों के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दें और उनके काम आएँ। और ख़ुद और ज़िंदगी आपको हर तरह का मौका देती है, और आपको अगर आप अपने लिए नहीं कुछ कर सकते तो आप दूसरों के लिए करें, आप दूसरों को वो खुशी दें, और इससे आप ख़ुद भी अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगे, और इसमें ना सिर्फ फ़ायदा दूसरों का है, इसमें फ़ायदा आपका ख़ुद का भी है। और मैं ये समझती हूँ कि कोई शख्स, कोई लड़का या लड़की, अगर कोई ऐसा हो कि जिसको बहुत फेम मिली हो या ऐश आराम की ज़िंदगी वो गुजार रहा हो, और वो अपने सर्कल में देखे कि ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत है, तो हमें बिल्कुल हाथ आगे बढ़ाना चाहिए और मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों की। तो हम जितना भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, छोटी मोटी, जी बिल्कुल, किसी भी तरह से हम किसी की कोई हेल्प कर सकते हैं तो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। आप छोटा सा ही कोई काम आप कर दें किसी के लिए तो वो बहुत बड़ा हो सकता है। और इसी तरह से लोग हमें पहचानेंगे कि ये कितना अच्छा इंसान है, और इसी तरह से याद रखेंगे कि ये एक बहुत ही गोल्ड हार्टेड पर्सन है। और अब ये ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, हमें बाज़ा अंदाज़ा नहीं होता कि हम कोई छोटी सी अच्छाई कर जाते हैं, और जिस तरह साइंसदान भी कहते हैं कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, इसी तरह अच्छाई भी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करते हैं तो इट कम्स बैक टू यू लेटर इन लाइफ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि अरे मैं यहाँ से जा रहा था और अचानक मेरे साथ कोई, किसी ने अचानक आके कोई अच्छाई ऐसी कर दी या कुछ ऐसा हो गया, अचानक मुझे कोई रास्ता नज़र आ गया, अचानक कोई ऐसी बात, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपके पिछले किसी अमल का नतीजा होता है जो आपकी ज़िंदगी में कोई आगे राह खोलता है। सो दिस एनर्जी एंड दिस पॉजिटिविटी नेवर एंड्स एंड दिस कम्स बैक टू यू later anywhere in life surprisingly, so जी बिल्कुल, आई टोटली अग्री। और ये बिल्कुल एक यिंग यंग वाली स्टोरी है। और मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मिलकर काम कर रही हूँ, और वो लोग जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए और वो सड़कों पर सो रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, तो ऐसे लोगों के लिए मैं इन फाउंडेशंस के साथ काम कर रही हूँ। उसके अलावा वो बच्चे भी जो कि छोटी उम्रों में काम पर लग जाते हैं, तो मिलकर इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं उन बच्चों के लिए भी काम कर रही हूँ। और इसके अलावा जो मदर्स हैं जिनको कैंसर है, तो उनके लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। और इसके अलावा 3-4 डिफरेंट फाउंडेशंस हैं जिनके साथ मिलकर काम कर रही हूँ। और यही वजह है कि जो हमारे सेक्टर है, तो उसमें हम इसी वजह से मैं काम कर रही होती हूँ, ताकि जो कैरेक्टर्स मैं कर रही होती हूँ तो उनसे मैं बहुत सीखती हूँ लोगों के लिए मदद करना, कुछ ना कुछ ऐसे काम करना। क्योंकि आपको जो कुछ भी मिल रहा होता है वो किसी ना किसी के वसीले से मिल रहा होता है, और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप किसी और की मदद नहीं बल्कि अपनी खुद की मदद कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस दुनिया को अच्छाई की, इखलाक की, क्योंकि ये हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो कुछ है वो दिया हुआ ही है, ऊपर से दिया हुआ है, तो हम दिए हुए में से अगर किसी को देते हैं तो उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। इसलिए कि आपकी अपनी क्या चीज़ है ना, ये चेहरा आपका अपना है, ये एक लम्हे में यूँ ख़त्म हो जाता है, ये पैसा चला जाता है, सेहत चली जाती है, अगले लम्हे का पता नहीं होता कि आज हम बैठे में कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कमर में ज़रा सी कोई स्पाइन का प्रॉब्लम होता बिल्कुल है क्या? जैसे कि आप अपने पीछे अगर देखें, आपको तोप कापी महल नज़र आ रहा है, तो पहले यहाँ सुल्तान सुलेमान रहा करते थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं और हम यहाँ बैठे हैं। कहाँ गया वो सब कुछ? ये सब कुछ आपको छोड़ के चला जाना होता है। तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली, ये आप अपने लिए अल्लाह के साथ करते हैं, ये आप जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका आप बेसिकली बहुत फ़ायदे की इन्वेस्टमेंट है। ये जो दुनियावी इन्वेस्टमेंट है ये क्या है, ये तो आज ख़त्म हो जाएगी, आपने कितना पैसा साथ अपने कमा के आपने चले, साथ तो कुछ भी लेके नहीं जाना, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये अमाल होते हैं आपके बेसिकली, ये जो छोटे छोटे आप करते हैं, और यही रह जाना है असल में। सो आई एम सो इम्प्रेस्ड सीरियसली ऑफ व्हाटएवर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच इमरान। मैं यहाँ आपसे एक बात कहना चाहूँगी, और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप कभी अपने अंदर या अपनी लाइफ में कोई फिज़िकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई फेस करें,
और मैं ये मिसाल या ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में भी ये मसाइल काफ़ी फेस किए हैं, और ऐसा वक्त था कि जब मेरे ऊपर फिज़िकल फाइनेंशियल दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानी थी और बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई थी मैं। और बस यही रीज़न है कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी मिसाल है या जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो वो लोगों को पता हो कि जब आप एक फाइनेंशियल या फिज़िकल प्रॉब्लम्स में होते हैं उस वक्त जब आप सदका खैरात करते हैं या आप किसी को हेल्प करते हैं इमोशनली या फिज़िकली तो आपको भी इससे बहुत फ़ायदा होता है और अल्लाह ताला आपको उस प्रॉब्लम से निकालता है और बहुत कुछ नवाजता है। इसीलिए कहूँगी कि आप जिस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं उस तरह से करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। और इस तरह आप यंग भी रहते हैं, आपको एस्थेटिक्स या बोटॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ ये है कि सदका खैरात करना जो है वो आपको यंग रखता है, खुश रखता है। लेकिन सदका और सदका सिर्फ यशम सिर्फ सदका मुझे लगता है कि सिर्फ पैसे से नहीं आप देते, एक मुस्कुराहट भी सदका होता है, एक छोटा सा जैसे हर चीज़, मतलब आप जो भी किसी की ज़िंदगी में खुशी लेकर आए वो सदका है और वो कुछ भी हो सकता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी की हदीस है कि मुस्कुराहट सबसे बड़ा सदका है, तो मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से कि आपके आपका बुरा रवैया या आपके चेहरे का एक ज़रा सा उतार चढ़ाव जो होता है या आपके चेहरे पे हल्की सी एक फ्राउन जो होती है वो बाज़ दफ़ा किसी के दिल को किस तरह तोड़ देती है आपको अंदाज़ा नहीं होता। और दिल को तोड़ना मेरा ख्याल है इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है, किसी के दिल से खेलना या किसी के जज्बात से खेलना। तो एक मुस्कुराहट अगर किसी राह चलते कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और वो आप उसकी उसका दिन बदल दे, उसके चेहरे पे खुशी लेकर आ जाए या उसकी उसकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आ जाए तो इससे बड़ी और क्या बात होती है। तो कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम जी लेकिन गलत जगह पे ना। सॉरी इमरान, मैं आपकी बात ऐसा ना कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक YouTube चैनल है और उस पर मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करती हूँ, तो अभी रमज़ान के हवाले से हमने कुरान शरीफ की तफसीर का काम शुरू किया है, तो उसी मेरे YouTube चैनल पे ही एक सूरतुल फतह की तफसीर है और वहाँ पे मैंने एक बात पढ़ी और उससे मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हुई। और जब मैं अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम से गुजर रही होती हूँ तो मैं इस सूरह को ज़रूर पढ़ती हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की, अपना काम करने की और इस प्रॉब्लम से निकलने की। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सूरतें हैं जो कि आप पढ़ें अगर तो आपको बहुत मोटिवेशन उनसे हासिल होगी, इसलिए ये सूरह मैं यहाँ पर शेयर भी करना चाहती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा। तो वो ये थी कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें फतह दूसरों के मुल्क फतह करने में मिलेगी या तुम्हें पैसे या शोहरत से फतह मिलेगी तो ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। दरअसल असली फतह जो है वो लोगों के दिलों की फतह है और अपने नफ्स की फतह है। और जब मैंने ये सूरह फतह पढ़ी तो मेरे ज़िंदगी पे इसका बहुत अलग फतेह मक्का इस बात की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि मक्का जब फतह किया गया तो एक कतरा खून का नहीं बहा और मक्का की जो की रियासत थी वो किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की, तो हमारी तारीख का इतना बड़ा खूबसूरत चैप्टर है। यशम, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं ज़िंदगी में, आगे क्या करना है? चैरिटी ही करनी है? मेरे फ्यूचर प्लान में आपसे शादी करना, पाकिस्तान में शिफ्ट होना और दो प्यारे बच्चे जनाब। अभी तो सीरियल शुरू हुआ है और अभी आप देखिए कि आपको पाकिस्तान से कैसे कैसे अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आते हैं, बस अब आप तैयार हो जाओ पाकिस्तान में टर्की के एक्टर्स मुझे आपका प्रपोजल चाहिए। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, यू कैन नॉट इमेजिन, एंड दिस प्रोजेक्ट हैज जस्ट बीन स्टार्टेड इन पाकिस्तान एंड यू आर जस्ट यू नो जस्ट पैक योर बैग्स ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, पाकिस्तान हमारी ब्रदर कंट्री है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो स्कूल्स में चिल्ड्रन डे मनाया जाता है तो वहाँ पे जीवे जीवे पाकिस्तान भी गाया जाता है, सिर्फ स्कूल्स में नहीं हर जगह ही वैसे गाया जाता है और मुझे भी बहुत पसंद है जीवे जीवे पाकिस्तान। और आगे जो मेरे प्लान्स हैं, जो फ्यूचर प्लान्स हैं, वो ये हैं कि मैं एज ए डायरेक्टर जो है वो कुछ ड्रामे करना चाहती हूँ, उनको डायरेक्ट करना चाहती हूँ। और अभी जो हमारा ड्रामा चल रहा है कुरुलस उस्मान, उसके जो प्रोड्यूसर हैं मेहमत बोजदा, उनकी वाइफ जैनब बोजदा से मेरी आजकल डिस्कशन चल रही है इसी सिलसिले के लिए। और वैसे मुझे तकरीबन 25 साल या उससे ज़्यादा हो गए हैं कि मैं एक्टिंग लोगों को सिखा रही हूँ, उसके लेसन्स दे रही हूँ,
और मैं इसी तरह इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ और एज अ डायरेक्टर इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ और मैं कोई ऐसा भी करेक्टर करना चाहती हूँ जैसे कि आपने अमेरिका वगैरह में देखा होगा कि वंडर वुमेन या सुपर वुमेन जैसे करेक्टर हैं तो हमारे भी ड्रामों में जैसे अर्तुरुल गाजी है और कुरुल उस्मान है तो इस तरह के जो करेक्टर्स हैं पावरफुल हैं उस तरह औरतों का कोई ऐसा करेक्टर हो जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशनल हो या फिर वो उससे कोई सबक हासिल करें अपनी ज़िंदगी में तो कोई ऐसा करेक्टर करना चाहती हूँ और इसके लिए कोई भी मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे टीवी है सिनेमा है यूट्यूब है ख़ास तौर से आजकल यूट्यूब जब बच्चों के हाथों में फ़ोन्स दे दिए जाते हैं कि वो यूट्यूब इस्तेमाल करें तो ये जो ऐसी वीडियोस हैं वो बहुत काम आ सकती हैं तो मैं इस तरह के करेक्टर में अपने आप को देखना चाहती हूँ और डायरेक्ट करना चाहती हूँ। हॉलीवुड ने एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है अपनी अपने हीरोज़ को हीरोज़ बनाने में और हमारे पास तो हमारे इतने हमारी तारीख में इतने बड़े बड़े हीरोज़ हैं जिनमें ख़वातीन भी हैं और जिनमें मर्द भी हैं जिस तरह अर्तुगरुल गाज़ी का हमारे सामने मिसाल है कि जब ये हमारे सामने रखा गया तो किस तरह इसकी एक्सेप्टेंस हुई है क्योंकि लोग कनेक्ट कर सकते थे और जब बात मज़हब की आती है और दीन की आती है तो फिर हमारे दिल से वो कनेक्शन निकलता है और ये इतनी अच्छी थॉट है कि अब टर्किश गवर्नमेंट भी इसमें पार्ट प्ले कर रही है अब मैंने सुना है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इसको सीरियस ले रही है एंड देयर इज़ अ कोलैबोरेशन व्हिच इज़ हैपनिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की इन व्हिच दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस ऑल दोज़ हीरोज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड टर्की हु played a very important part in the war of independence तो ये बहुत बहुत अहम बात है और मेरा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिन जब भी ये होता है देर आयत दुरुस्त आयत कोई पैगाम अपने पाकिस्तान के फैंस को देना चाहेंगी आप एक तो पहुँच गया है एक तो बिटवीन द लाइंस आपने पैगाम पहुँचा ही दिया देर इज अ मैसेज यू हैव ऑलरेडी गिवन बिटवीन द लाइंस सो अपनी प्यारी ब्रदरहुड कंट्री के लिए बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से और मैं अपने फैंस को यही पैगाम दूंगी कि हम इसी तरह के ड्रामों से आपके साथ आपके दरमियान रहेंगे और आप सबके प्यार का बहुत 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 शुक्रिया इतना अच्छा लगा आपसे बात करके ऑनेस्टली आई डिडंट वांट दिस इंटरव्यू टू एंड अप हियर बट वी हैव दिस टाइम कंस्ट्रेंट हमारे पास वक्त बहुत शुक्रिया है थोड़ी सी वक्त की कमी है अदरवाइज दिस इंटरव्यू कुड हैव बीन गोइंग फॉरएवर बहुत शुक्रिया सो वी विल डेफिनेटली बी कनेक्टिंग लेटर एज वेल और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाई आप देखना मत भूलिएगा इनका नया सीरियल जो शुरू हो रहा है जो कि कुरुल उस्मान है अर्तुरुल गाजी का जो सीक्वल है एंड शी इज प्लेइंग वन ऑफ द लीड्स इन द सीरियल एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई स्पोक टू हर एंड और बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप देखते रहिए बरान रहमत आज टीवी पे आज एंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ पर मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ और अब आपको हमारे पाकिस्तान के होस्ट यानी हमारी यहाँ हमने आपके तुर्की के आपको सुपरस्टार से मिलवाया और वहाँ पाकिस्तान की सुपरस्टार आपका इंतजार कर रही हैं इस ब्रेक के बाद जब आप मिलेंगे तो वहाँ रीमा जी होंगी देखते रहिए बरान रहमत आज एंटरटेनमेंट आज न्यूज़ पर मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह Thank you.